अपनी हस्ती सवार जाऊंगा, लेके सबसे उधार जाऊंगा, वो जहां नौकरी की गुंजाइश मैं वहां बार बार जाऊंगा। बात बतानी है बहुत जरूरी, क्या रहे वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। माशाल्लाह सर, आज तो सैंडो लग रहे हैं और गेंडों के सामने आ गया हूं। प्यारे आदमी ने इन्होंने टेलीफोन किया तो क्यों कुड़ी बोली, आपका मतलूबा नंबर किसी दूसरी कॉल पर मसरूफ है, तो क्यों कहते उन्नी देर तुम गल कर लो। अच्छा ऐसे नौजवान फैसले हमेशा गलत करते हैं। अच्छा जी, 2 लाख रुपए का इनाम निकला, कहते नवा घर बनावांगा, पुराना टुआया तो 2 लाख लग गए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम च चले गए वासे भाई। अच्छा, ते इन्हां नूं किसी ने दस्सिया कि सवेरे टीवी ते मैच होना ते ग्लव्स दे उत्तों सोने दी अंगूठियां पा लीआं। मैं अपने मंगेतर नूं गिफ्ट भेजा, नाल मैसेज कीता मुझे भी कुछ भेजो, उन्हें सदके दी सिरी भेज दित्ती। मैंने कहंदे तेरे भरा दा विआह होएगा ना ते बादशाही मस्जिद तक लाइनां लगियां होणगियां लंगर दीआं। अच्छा, वाकई जदों मैं गया ते लंगर दी लाइन च सारी बरात लगी। अपने आज के पहले मेहमान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर जनाब मलिक अहमद सईद खान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मोहतरमा मिनाहिल तारिक। शो जी, आज दोनों मेहमान बड़ी बेमिसाल हैं सर। क्या जी, और शेर भी मैं ऐसे ही लाया हूं सर। इरशाद अहमद सईद साहब PMLN और मॉडल मनाहिल तारिक साहब। एक सियासतकार है और एक फनकारा है मॉडल नंबर 1। एक मेहमान जलसों के हंगामों में गुल मिल जाते हैं और एक को देखकर दिल वालों के तार खनक जाते हैं। क्या बात, ढोल नित वजाना छड़ो, ढोल नित वजाना छड़ो, भलियो राग पुराना छड़ो, ताड़ा नचन टप्पण बनदा भुखी वाम नचाना छड़ो। वो डराते नहीं फिर भी आप क्यों डरते हैं, जो काम नहीं करना चाहिए वो क्यों करते हैं। आपको पता है हुकूमत 5 साल पूरे करेगी खान साहब, फिर जलसों पे पैसे जाया क्यों करते हैं। जी सर, क्या आपको पता है कि पूरी करेगी। सर ये तो अल्लाह को बेहतर पता है। वैसे जो हम सोच रहे हैं या हमारा जो बयानी है इस वक्त, वो ये है कि पिछले 2.5 साल में इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया है जी। तो अब मजीद बर्बादी 2.5 साल तो नहीं होनी चाहिए। हम तो अपनी एफर्ट डालेंगे उसमें, जिस हद तक हो सकेगा कोशिश करेंगे। और अगर कुछ ना हुआ तो फिर क्या होगा सर। तो फिर बर्दाश्त तो करेंगे ही, बर्दाश्त तो करेंगे ही। 5 साल तो पूरे करने हैं। नहीं, हम तो ये नहीं कहते कि करने हैं। नहीं, हम मगर तो कहते अगर हैं कि करने पड़ गए तो फिर दोबारा इलेक्शन करवाएं। ये धौंस और धांधली के जरिए से हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए हैं और इनका अब जाना बनता है। या तो 2-2.5 साल में कुछ डिलीवर करते। अभी इतना बड़ा सूबा पंजाब है, पंजाब के अंदर आप देखें क्या हालात बने हुए हैं। आप भी इस बात से वाकिफ हैं, पूरी कौम वाकिफ है, पूरे मुल्क के अंदर मौशियत है तो वो भी तबाह हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो ख़राब हो गई है। आपकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो अब इनका रहने का जवाब कोई नहीं बनता। अब तो ये बिल्कुल हठधर्मी और जिद के तहत बैठे हुए हैं। इनको जाना चाहिए और इलेक्शन में आना चाहिए। बाकी फिर वही बात आ जाती है सर कि इलेक्शन कैसे होंगे। आप लोग इस्तीफा देंगे तो होंगे ना। हमने तो दे दिए सर। नहीं, आपने जिधर दे दिए वो आगे नहीं दे रहे। तुसी नाल दे कमरे नहीं देते, असेंबली च दियो। नहीं, असी जिथे देने से उत्थे दे छड़े ने। अगला फैसला PDM ने करना है क्योंकि उसमें बाकी जमातें भी हैं, मौलाना साहब हैं। अभी तो मैं तो कहता हूँ सर, क्या अभी ड्रैग कर रहे हैं। इसी साल खत्म करें, इस्तीफा दें, बात खत्म हो जाए सारी की सारी वहीं। ये तो PDM ने फैसला करना है कि इस्तीफा देने का प्रॉपर टाइम क्या होगा, क्योंकि अभी ये जलसों का जो पहला था एक वो गुजरा फेज, उसके बाद अब रैलियाँ शुरू हुई हैं, उसके बाद अब लॉन्ग मार्च का भी PDM का फैसला है। तो इसमें जो सूटेबल टाइम होगा वहाँ पे जाके जो क्यादत फैसला करेगी। हमारी जमात ने इस्तीफे दे दिए अपनी क्यादत को, अब जब वो मुनासिब समझेंगे वो आगे प्रेजेंट कर देंगे।
अच्छा वैसे मियां शहबाज शरीफ साहब ने दे दिया इस्तीफा? मियां साहब तो अभी जेल में हैं। नहीं जेल में इस्तीफा तो लिख के भेज सकते हैं। बॉल पॉइंट अंदर नहीं जाने क्या मतलब ऐसा है कि क्या बॉल पॉइंट नहीं अंदर जा पा रहा? नहीं अभी देखे ना हमारा पंजाब के अंदर हमजा साहब ने इस्तीफा दे दिया हुआ है। हाँ। अभी हमारा दो दिन पहले सेशन था तो वहाँ पे वो आए तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। मेरा ख्याल है कि जब क्योंकि शहबाज साहब जो अभी कोई पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं हुए तो जैसे वो पार्टी मीटिंग में शामिल होंगे तो उनका भी डिसीजन आ जाएगा। उनका भी आ जाएगा। कैसी लग रही है आपको इनकी बातें मनाहिल? मैं नहीं एग्री करती है आई सपोर्ट पीटीआई। अच्छा आप नहीं एग्री करती? मैं नहीं एग्री करती। आई स्टिल थिंक कि हमें टाइम देना चाहिए खान साहब को क्योंकि मैं तलाक लेके देता फिर भी कुछ नहीं बन रहे। टाइम देना चाहिए क्योंकि अगर हम उनकी नेगेटिव साइड्स को देखें तो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव साइड्स टू इट। क्या पॉजिटिव साइड्स है बताएं? उन्होंने कहा कि पॉजिटिव कुछ नजर नहीं आ रहा, आप बताइए। आप देखें कि उन्होंने कोविड को कितना अच्छे तरीके से हैंडल किया है जिस तरह एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। जिस तरह अब यूके में बैन वगैरह लग गया एंट्री वगैरह का, सो बहुत अच्छे तरीके से हमने कोविड को हैंडल किया। हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी वर्स नहीं हुई जिस तरह बाकी जो कंट्रीज है वो अफेक्ट हुई हैं। And also the no corruption policy that is very commendable. Or नहीं सर, कोविड को जिस तरह हैंडल किया बाकी दुनिया ने उस तरह हैंडल नहीं किया। ये बात ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क के अंदर कोरोना ने उस तरह से तबाही नहीं चाहिए जैसे पूरी दुनिया के अंदर चाहिए। लेकिन उसमें मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम जो है वो उसको क्रेडिट जाता है कि पूरी कौम ने उसको बड़ा सीरियस टेकअप किया है कोविड को। हमारे देहातों के अंदर लोग बड़े उसके अंदर अवेयरनेस थी, लोगों ने एक दूसरे को उसके ऊपर बड़ा ऑन बोर्ड लिया और लोगों को बताया कि ये करना है, ये SOPs हैं, इसके मुताबिक चलना है। और जहाँ तक मौशियत का तल्लक है, मौशियत तो हमारी पहले ही कोई नहीं है। अब एक खाली बर्तन के अंदर कुछ होगा ही नहीं तो उसमें से हम कैसे एवैल्यूएट करेंगे कि इसमें कुछ था या नहीं था? नहीं मगर खाली बर्तन तो रहा ना, टूट तो नहीं गया ना। बर्तन तो रहता ही है, वो अब उसके अंदर क्या है वो देखना पड़ेगा कि अभी 2.5 साल के अंदर कोई एक ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट देने में कामयाब नहीं हो सकी कि वो अपने देखें। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे पिछली गवर्नमेंट में वो बड़े सब्ज बाग दिखाते थे, वो लोगों को कहते थे कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। किधर हैं वो 50 लाख देंगे, वो नौकरियां किधर हैं? आज तो मैं ये कहने में हक बजानब हूँ क्योंकि जो लोग पहले जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज थी आज वो भी वहाँ से फारिग हो चुके हैं, लोग घरों में बैठे हैं, बेरोजगारी जो है वो दंदनाती फिर रही है, किसी को कोई पुरसाने हाल नहीं है। और खान साहब जो है वो एक बयानिया जो उन्होंने पहले दिन से शुरू किया हुआ उसमें भी मैं बड़ा क्लियर हूँ कि आज मैं अगर ये बात कहूँ कि वो जो बयानिया था वो इंतकाम में तब्दील हो गया है तो इसमें भी कोई मेरा ख्याल है कोई दूसरी राय नहीं। अच्छा अब तो अपोजिशन जमातों से खान साहब इंतकाम ले रहे हैं मगर वो कह रही है कि उन्होंने जो 3 पॉइंट्स गिनवाए, एक तो एक कोरोना क्रेडिट तो आप देंगे हुकूमत को, ठीक है बिल्कुल गवर्नमेंट को भी जाना चाहिए और उसमें ज्यादा जो है ना वो गवर्नमेंट से ज्यादा जो वो आपकी कॉम को मलिक साहब ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे अब जो सड़क बन रही होती है उसका भी क्रेडिट आप लोग ले लेते हैं कि किसने जाल बिछाया। तो ये अब वो वाली बात है कि जिसकी हुकूमत है अब कोरोना उसके अंदर आया, उन्होंने हैंडल किया, क्रेडिट उनका बनता है। उसी उन्होंने तो कोई नहीं हैंडल किया, कॉम ने खुद ही हैंडल किया। सर ये फिर सड़कें भी आप लोगों ने नहीं बनवाई है, चाइना बनवा रहा है। आपने कहां से बनवाई मुझे कैसी सड़कें पे सड़क बन रही है ग्वादर से लेके कनेक्ट हो रहा है, पिछले 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। सर क्या सर देखे आप ऐसे अब कर रहे हैं, देखे सड़कों पर सड़कें आप नहीं जाते मुझे बताएं कराची जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? नहीं अभी तो पिछले दिन आप बाय रोड नहीं गए ना, तो आप देखे बनाई जा रहे हैं सड़कें। आप गिलगित की तरफ जाएं वहां भी सड़क बन रही है, ये अब कौन से किसने बनाई पिछले 2 साल में? पॉइंट वो आता है कि जिस तरह आप लोग वो यूज करते हैं कि यू नो के सड़कें जो किसी के दौर में बन रही हो उसको पुराना क्रेडिट लेना, तो उसी तरह से फिर ये कोरोना का क्रेडिट भी इन लोगों को जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक जमाने में आप लोग रिंग रोड करते थे, ये भूल जाते कि रिंग रोड परवेज अली साहब के जमाने में शुरू हुई थी मगर अब फिनिशिंग जब तक हुई तो तब तक शहबाज शरीफ साहब का दौर था। तो अगर तो वो लॉजिक एक चीज के लिए अहमद भाई यूज होती है तो फिर वो बाकी चीजों के लिए भी यूज होनी चाहिए। जिस रिंग रोड पे एक्सीडेंट हुआ वो मान देने के उन्होंने परवेज अली साहब ने बनाया। दीवानों को शहरों से ना बाजारों से, जेल क्या होती है पूछो ये गिरफ्तारों से, अपने फ्यूचर की झलक जिसमें नजर आती है, काट लेते हैं इश्तेहार वो अखबारों से, कोई हमाम हो चौराहा के सोशल मीडिया, लोग लड़ते हैं हुकूमत के तरफदारों से, डिशुम डिशुम आ। I am just talking to the Namase Chaudhary. Namase Chaudhary. हमेशा इन्होंने मेरी हेल्प की थी। But my problem is that my face is also not listening. So you always
कभी मेरी मदद नहीं की। नवीं पैंटा पा लेनी है किसी के काम नहीं। सर इन्हां दी पैंट सफेद हो गई, ये मदद नहीं कर सकते। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मनाहिल ये बताएं, आपको एक्टिंग का शौक है? हाँ जी। आप मॉडलिंग तो कर ही नहीं, आप एक्टिंग भी करना चाहेंगी? एक्टिंग मैंने सिर्फ अभी तक कमर्शियल्स में किया, लेकिन सिंस अभी मेरी पढ़ाई खत्म हुई है तो आई विल सून स्टार्ट एक्टिंग। क्या ड्रामों में एक्टिंग करना चाहेंगी या फिल्म्स में, किस चीज में? ड्रामों में। ड्रामों में। और कौन है आपके फेवरेट एक्टर्स अभी? मुझे अगर फीमेल्स को कंसिडर करें तो सबा कमर, ठीक है, रियली माई फेवरेट, बहुत अच्छा। बाकी अगर हम लोग मेल कैटेगरी को कंसिडर करें तो अदनान सिद्दीकी। अच्छा, अदनान सिद्दीकी। आपने उनका ड्रामा देखा, वो मेरे पास तुम हो? हाँ जी। कैसा लगा आपको? अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। बस मतलब मेरा वो ओपिनियन था कि हमेशा जो फीमेल कैरेक्टर है उसको बहुत नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं, सो दैट वाज वेरी ऑब्वियस। सिद्दीकी साहब का भी बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर था। वो था, लेकिन जिस तरफ ये सारी टॉपिक जो था वो सारा यही था कि मतलब फीमेल को दिखाया हुआ था, ऐसे पोर्ट्रे किया हुआ था, सो दैट वाज अ लिटिल ऑफ पुटिंग। बट ओवरऑल द शो, तो जो बाकी के सारे 150 ड्रामों में जो मर्दों को बुरा करते हैं उस पे आपको ये पॉइंट क्यों नहीं उठाते? मर्द खज्जल होते रहे, उदो तुम कोई फिक्र नहीं। इश्क या भी ड्रामा है, उसमें भी सेम ही जहानिया आमिर का है, तो खैर उसमें भी यही मतलब स्टोरी लाइन चल रही है कि फीमेल को अगेन आई डोंट वांट से बट इस तरह से पोर्ट्रे किया हुआ है। मगर ये तो हर जगह बंदों के भी तो एक ही टाइप के कैरेक्टर होते हैं, उनको भी थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा कोई और बेसिक टॉपिक के बारे में कर लें। टॉपिक्स वैसे जनरली डिफरेंट होने चाहिए, मगर ये नहीं कह रही कि आप मेल्स के ऊपर पॉइंट होता है ना कि सिर्फ उस ड्रामे के अंदर एक खातून को दिखाया, तो बाकी के जो 15 ड्रामे उसमें मर्दों को भी दिखाते हैं। जनरली वैसे एक वेरिएशन इन द कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, वो जरूर होनी चाहिए। आपने वैसे देखा मेरे पास तुम हो? मैंने बिल्कुल लास्ट में देखा है। लास्ट में देखा आपने? सुना जब आपने कहा इतना क्या बात कर रहे हैं, धूम मच गई, धूम मच गई, है कि गल पता तो लगे अस्पताल दाखिल है, ड्रिप भी लेके चले गए। मगर जब आपने देखा तो कैसा पाया आपने? अरे वैसे मेरा इसमें वैसे जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो क्योंकि ड्रामा जो है ना आपके जितने भी मुख्तलिफ चैनल्स पे चल रहे हैं वो बेसिकली आपकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल है। और उसके अंदर इस बात से बालातर के किसी खातून का या किसी मेल का क्या किरदार है, क्या करेक्टर है, अगर आपकी सोसाइटी के अंदर वो करेक्टर है तो बेसिकली तो उनका कॉन्सेप्ट भी यही है कि वो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि इस तरह का करेक्टर जो ये नेगेटिव है, आप इससे मतलब अगर किसी के जेन में कुछ है भी तो थोड़ा अवॉइड करें। बेसिकली तो लर्निंग है, मतलब मेरे कहने के मुताबिक ये कि वो लर्निंग है। इस बहस में हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए कि उस ड्रामा के अंदर या किसी और ड्रामा के अंदर किसी मेल या फीमेल का करेक्टर किस तरह से एनालिसिस किया गया, लेकिन उससे लर्निंग होनी चाहिए। मतलब एक्चुअली बताऊँ आपको, मुझे ऐसा ज़ाती तौर पर लगता है कि बहुत सी बहस आज कल के वक्तों में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बहस ऐवें ही करनी है, और ये जो ऐवें ही करनी का जो आंसर आया है ना, ये सोशल मीडिया के थ्रू आया है कि हमें ना एक जरूरत से ज्यादा बोलने की और बताने की आदत पड़ चुकी हुई है। ये दुरुस्त बात है। एक बहस हम सुनेंगे फेसबुक के ऊपर, किसी के स्टेटस के ऊपर एक चीज लिखी हुई है, उस पर एक नीचे बहस चल रही है, फिर हमने खुद बताना है कि आज मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, आज मैं इधर हूँ। सो देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन दैट वी आर वॉन्टिंग टू गिव इन टर्म्स ऑफ मे बी विजुअल्स, इन टर्म्स ऑफ मे बी वर्ड्स इवन। मतलब आप आज से 15 साल पहले भी मलिक साहब जो थे वो फिर रहे थे तो उनको बताने की जरूरत नहीं थी कि भैया आज मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। आप चाहे हफ्ते के बाद अपने की दोस्तों में बैठते थे या अपने खानदान से बैठे तो बता दिया कि यार ओ यार इस हफ्ते बड़ा मुश्किल रहा, या इस हफ्ते बहुत थका मैं, इस हफ्ते बहुत काम किया। अरे ये क्या कि हर वक्त बताना है कि अब मैं थक गया हूँ, अब मैं ये कर गया हूँ। सो ये एक पूरा सर्कल चल पड़ा हुआ है इसमें। देखिए ना, ये इसमें मैं फिर यही कहूँगा कि एक बड़ा वो पुराना मकूला बना हुआ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एग्जैक्टली, हर चीज में ज्यादती जो है ना वो आपको मतलब डिट्रैक्ट कर देती है। बिल्कुल। तो मतलब इंफॉर्मेशन देनी भी चाहिए, लेनी भी चाहिए, और इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो बहस है ये बहुत सारी डायरेक्शंस देती है, लेकिन इसको मुस्बत सिमत में लेके जाना चाहिए। और ये जो फजूल चीज़ें जो जिसके ऊपर बाज़ का तुम्हारे बड़े बड़े दानश्वर भी और पढ़े लिखे लोग जो बैठे मतलब सर खपा रहे होते, अपना वक्त मार रहे होते हैं, उससे अवॉइड करना चाहिए। ये सानू समझा रहे कि नैब वाले समझा रहे थे? नैब वाले उसे समझाना छाड़ देता है। नाहिल, आपने कहा कि हुकूमत को टाइम देना चाहिए, जैसे मसलन के डॉक्टर हॉस्पिटल से प्यार करते हैं मरीजों से, सियासतदान अपनी कुर्सी से प्यार करते हैं, होस्ट होते हैं वो ब्रेक से प्यार करते हैं कि नाजिम ब्रेक का टाइम हुआ है, तो आप इतनी प्यारी हैं, आप किससे प्यार करते हैं? फिलहाल तो कोई भी नहीं। कोई तो होगा ना सामने, रेड शर्ट पहनी हो किसी ने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
नहीं बिल्कुल इधर बिल्कुल भी नहीं। रेड शर्ट तो उन्होंने जैकेट से कुछ पहनी हुई है। नहीं नहीं सामने कह रहे। अच्छा ओ समझा तो अंकल तुसी जदों दे ना मसन के पोनी रखी ना ताड़ी सारी अकल उठे चलेगी। हाँ खिंची गई। बताए ना जैसे मैं आपका फैन हूँ, आप बहुत अच्छी भी हैं, तो वैसे सोचा होगा कभी के? अभी तो मेरी स्टडीज जो है वो कंप्लीट हो गई। स्टडी करें आप, लेकिन ये तो बताए ना कोई होता ना कि आइडियल भी होता कोई। आइडियल आई गेस हर किसी का ही होता है, लेकिन अभी मैं सच उस तरफ प्लान नहीं किया, अभी मैं थोड़े टाइम तक ही। लेकिन सोचा तो होगा ना कि कैसा शख्स होना चाहिए, कितना प्यारा होना चाहिए, कितना कद होना चाहिए, ये वो। लुक्स मेरे लिए प्राइमरी नहीं है, लुक्स सेकेंडरी है, पर्सनैलिटी कम्स फर्स्ट। कि मतलब रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट दे और उसको रिस्पेक्ट वो करेगा तो उसी करोगे, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। ठीक है, टॉल और डिसेंट फैमिली का होना चाहिए और एजुकेशन भी होनी चाहिए। दैट्स आल्सो। कितनी एजुकेशन होनी चाहिए? मतलब एटलीस्ट मास्टर्स तो किया हो। हेलो इन्हीं तो साढ़े एंकर दी नहीं है। अब एजुकेशन कम करें बाकी। आपको मैं पता भी नहीं है आप कोई मास्टर से कम कोई बात, कोई मैट्रिक एफए एफए अंडर मिडिल एफए नहीं चलेगा, कंपैटिबिलिटी नहीं होगी। चले ना आपका ना हमारा बैचलर से बात करें। मास्टर्स तक कर ले, आप पीएचडी भी है तो मास्टर्स तक। मेरी बहन मास्टर से बचत बिल्कुल नहीं होती। और खास आप सोच रहे हैं कि मैं मास्टर कीता मैंने कोई पूछ नहीं रहे। देखो जरा वो एक बेचारे शरीफ आदमी साइड पे बैठे हुए हैं ना, वो कोई बात कर रहे हैं तो मैं भी उनको बीच में घसीट रहे हो। उधर से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो इधर मुंह कर दिया। नहीं रिस्पॉन्स तो मिला है मुझे, फैन तो फैन ही होता है ना। लेकिन मैं भी स्टडी अभी मुकम्मल कर रहा हूँ। इन्होंने तो खानदान च किसी मास्टर नहीं किया, खानदान च एक ने मैट्रिक किया, साल बाद उर्स कराते हैं। लेकिन आप ज़ेन बनाएं बस, कोई मसला नहीं है। आप बताएं कि पर्सनालिटी अच्छी है कि नहीं। ठीक है लेकिन मेरा माइंड उस तरफ नहीं है ना अभी। चलो माइंड फिर तुसी उस तरफ कर लो जी, उधर कर लो जेड़ा ठीक है। जिन्हें लंडे ने सजाया पिया वे खुश मुंडे ने किया था। वैसे जिन्ना जोर तुसी डिग्री थले ल्यावन ते लाया है ना, उतना जोर कन्विंस कर ते ला लो शायद कुछ हो जाए। सर नहीं हूं मैं, तुहानू पता ही है हर कुड़ी तुहाडे भरा नू अल्लाह दी मेहरबानी नाल रिजेक्ट ही करके जांदी है। ये भी क्रेडिट होता है, गॉड गिफ्टेड काम है कैसे। बिल्कुल चले हम कोशिश करेंगे कि जिसने मास्टर किया वो लड़का आए। हाँ। तो आप फिर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा। How are you? You know, I am really very happy today. Really? I got a great idea. Oh, really? Last night I was sleeping. Achanak meri dimag diyan kuriyan ne kam kiya. Mainu yaad aaya, I did a lot of business. Kam te koi chaleya nahi. Inna mere kolon sumaan paya ghar de vich. ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਓਕੇ ਬਟ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਆਹਾ ਹਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਸਤਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਪਵਾ ਲੈ, ਚਿਮਟੇ ਪਵਾ ਲੈ, ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਕਰਾ ਲੈ ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੁੱਚੀਆਂ ਲਵਾ ਲੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮਕੈਨਿਕ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1,13,000 ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ 75,000 ਦੀ ਨਵੀਂ, 75,000 ਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ 12,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਰੋਜ਼ ਦਾ 15,000-20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਚੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਤਦ ਬਚੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ। I don't want to talk to you. If you want to talk, talk with my hand because my face is not listening. I am just talking to the Namase Chaudhary. Namase Chaudhary. I love this guy. Tumhe Shaina ne meri help ki thi. But my problem is that my face is also not listening. So you always...
कभी मेरी मदद नहीं की। मैं समझ दसा तुसी मेरी आवाज बनोगे नवीं पैंटा पा लेनी है किसी के काम नहीं। सर इन्हों की पेंट सफेद हो गई है, मदद नहीं कर सकते। पेंट भी सफेद है, ब्लड भी सफेद हो गया। नहीं आप अगर ट्राई कर सकते हैं हमारे मेहमान से। आई यू डोंट सर सिटिंग एमपी है। ओह यस आई रिमेंबर दिस गाय। यस ए अपना नेड़े रहिंदे ने थोड़े घंटे दे फासले। हां कसूर से। ओह यस एक वारी मैं गया, मैनू मसाले वाली मच्छी चकाती, मैंने कहंदे ले जाओ खाओ, किथों खाओ ते तलनी पैंदी। यू नो कसूरी मेथी इज अ बेस्ट थिंग फॉर योर हेल्थ। खाओ ते बड़ी। मैं सर तुहानू एक गाना डेडिकेट करना। नून लीग दे ने यस शबाज शरीफ साहब दे बेस्ट फ्रेंड है। यस ओ वोटां पाओ, वोटां पाओ, ओ वोटां पा के ते मियां सब नु बुलाओ। मियां दे नारे वजने ही वजने जी, दोबारा रंग सजने ही सजने जी। ओ वोटां पाओ, कुछ पाओ, ओ वोटां पा के ते मियां साहब इज ग्रेट मैन। यस वो देखो मियां साहब के नाम पे तुम्हें कुछ मिल भी गया। उसी थोड़ा आख्या तो मैं थोड़ा ही पान लगा। थोड़ा जो और वधा दो तो मैं तुम्हारे पैसे पूरे कर। मैं तुम्हें एक गाना बाजी ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਾਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਭਾਜਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜੂਲੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਿਛਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪੱਟੇ ਵੀ ਪੀਕੋ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਲਓ ਮਨਾਹਲ ਸਾਹਿਬਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਓਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਕਨੇਡ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਕਿੱਥੇ? ਕਿੱਥੇ? ਕਨੇਡ ਕਾਲਜ। ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਐਕਚੁਅਲ ਬੌਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਸੇ ਵਾਲੇ ਹੈ? ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਓਹੋ ਭਈ ਮੇਰੀ ਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਵਟਸਐਪ? ਹਾਂ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਨਿਰਗੋਲੀ ਮਿਸ ਯੂ ਅ ਲੋਟ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ। ਅਜੀ ਜਾਮ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਡਾਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਆਹਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਇਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਟ ਲੱਖ ਪੱਤ। ਆਹਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਲੋ ਵੱਡਾ ਗੇਟ। ਆਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਖੁੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੌਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੌਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ। ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਸਲੂਟ, ਏਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਰਦੌਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਅੰਡਰ ਪਾਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਤਰਗੜਦਮ, ਯੈਸ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਓਵਰ ਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਫਿਰਦੌਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਐਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਰਮ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਲ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
पाकिस्तान कामयाब होएगा, फायदा तो पाकिस्तान होएगा। मैं सर गल तो थोड़ी बड़ी वड्डी हैगी, मैं कहने निर्गोली वो मजा हकूमत बनाने में नहीं है जो पुल बनाने में है। वाह 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 वाह, कहने हकूमत कोई भी बनावे मैनु कोई क्रेडिट नहीं मिलता, पुल कोई भी बनावे क्रेडिट मैनु मिलता। नहीं रिस्क हैगा, जो बाहर आंदा वह बाहर चला जाता। यार कोई बंदा दसो जो मशवरा करिए। वैसे गल जी है ना सर, मैनू लगता कि 100% क्योंकि मैं छोटे मियां साहब नाल कीता काम सौंदे ते है ही नहीं, दो घंटे बस कुर्सी ते हल्का जाई जाई करके सवेरे उठ के टुर पैंदे ने, मोटरसाइकिल ते चले जांदे ने, सारियां मजदूरां नूं वेंदे ने, समान सरिया वेंदे ने, ऐं ऐं करके वेंदे ने। मैं कोई एक पुल ते नहीं, ओ मलक साहब फ्रॉम कसूर, काफ ली गए सन मैं नाल सा, 2012 च नून ली गए चाहे मैं नाल सा, पिछले इलेक्शन जीते ने मैं नाल सा, तीन बारी MPA बने ने, कौन नाल सी? आप। मैं नहीं सा, उसले मैं नहीं सा, उसले तो वोटर सन ना नाल। मैं तो उसले ना जिसले जड़े वो ब्यूटी बॉक्स होंदे ने जिदे वोट पाई देने, ब्यूटी बॉक्स नहीं है बैलेट बॉक्स, ओदे विच वोट घट पै रहे होण ते फिर मैं नाल होना। अच्छा अच्छा, हां ते सर की खाना पीना ने दसो नहीं दसो दियो पैसे मैं लाया ना तुसी भी खा लेना। नहीं थैंक यू, छे छे महीने हो गए ने कोई चंगी शायद तुसी खा दी ते आए नहीं। पाकिस्तान से सब तो जहीन अफसर है गजा। हां मैं ना थाने से औरतों नु दुपट्टे भी पीको करके दे देना। आ लो मनाहिल साहबा बैठी ने ते दसे ही नहीं, मेरी ऑनर दे विच BSc कीती। अच्छा हां जी, अपना कनेट कॉलेज च पढ़दे सन, मैं उसले सिक्योरिटी करदा हुंदा सा। किथे? किथे? कनेट कॉलेज। देखो ना हम कह रहे हैं चौकस, वाह से भाई, कैन आई हैव ए वन फोटो प्लीज सर? थैंक यू सर। बिल्कुल फ्रेश फोटो, मेरे को पिछली भी थोड़ी पई है लेकिन आज थोड़े चेहरे से जड़ी फ्रेशनेस दस रही है, हुकूमत बदल रही है, गवर्नमेंट गई गई कई तरह को ना। मैडम कह नहीं है मेरा मुंह एडा क्यों छोटा आ रहा है? किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान, डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान और महवेश हयात। फिर तो महवेश हयात, ये सुन ले घर वाले सारे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी, 2020 का आगाज करते हैं, मनाइल आपसे करते हैं। आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब शेख रशीद और जनाब फयाजुल हसन चौहान। शेख रशीद, शेख रशीद साहब हैं वो। लिफ्ट में एंटर हुई हैं, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इकरा अजीज, हानिया आमिर और मावरा हुसैन। तो बताएं सेल्फी किसके साथ है? हानिया आमिर। स्माइल किनको है? इकरा अजीज। और किनको कह रही है कि फ्लोर आ गया? मावरा हुसैन। मावरा से कह दिया फ्लोर आ गया। चांद पर जा रही है एक स्पेस रॉकेट में, दो हैं आपके पास सीट्स, एक अपनी दूसरी भी किसी और को लेके जाएंगी, जिनको लेके जाएंगी वो चांद से वापस नहीं आएंगे, आप वापस आ जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और अदनान सदीकी। हुमायूं सईद साहब आपको चांद पर छोड़ देना चाहती हैं। ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मलिक अहमद सईद खान और ऑन अली खान। ऑन अली खान। कोई खास वजह? नहीं, बस मलिक साहब वजह भी नहीं देती था। डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको दे रही हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं कैसर पिया और उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब का अपना एक फैन क्लब है। चलो असी भी अपने इलाके च काउंसलर गए हैं, तुम्हें क्या पता जी, नाल असी नून लीग दे गए, सानू इन चीजों का कोई फर्क नहीं पता क्यों जी। अच्छा ठीक है जी। मलिक साहब ये बताएं सर, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए किसको करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहजाद अकबर और शहबाज गिल। शहबाज गिल। शहबाज गिल ठीक है जी।
चांद पर जाने के लिए स्पेस रॉकेट में मलिक साहब दो आपके पास सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को लेके जाएंगे, जिनको लेके जाएंगे वो शख्स वापस नहीं आ पाएगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तलाल चौधरी और जनाब चौधरी तनवीर। तलाल चौधरी, तलाल चौधरी जाते हैं चांद के ऊपर, पता नहीं क्या, वैसे 90% नून लीग वाले उनका ही नाम लेते हैं। सर ये बताएं फिर, लिफ्ट में एंटर हुए, तीन दोस्त मौजूद वहां, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि भाई फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, परवेज रशीद साहब और जनाब परवेज मलिक। तो ये बताएं स्माइल किसके साथ है? परवेज रशीद साहब। सेल्फी किसके साथ है? ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब का सेल्फी हो गई। और किसका आ गया है फ्लोर? परवेज मलिक साहब आपका फ्लोर आ गया। टाइटैनिक पर सर जा रहे हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे भी किसी और को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और फैजुल हसन चौहान। जो ऑप्शन तो वैसे तुसी बड़े सख्त रखे हैं डॉक्टर साहब, आप चाहते हैं मैं को और चेंज करूँ? चेंज कर लें। फैजुल हसन चौहान, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और महवेश हयात। फिर तो महवेश हयात, ये सुन ले घर वाले सारे, ठीक है महवेश हयात, मैंने बीच में एक मर्द भी डाला था मगर। सर डूबती कश्ती है, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इफ्तिखार ठाकुर और मिनाहिल। इफ्तिखार ठाकुर सर। ओए होए होए, मिनाहिल क्या हो गया आपके साथ? सर पीटीएल नु जैकेट भी नहीं देना चाहते। देख लें जो भी आपने देखे उनके लिए, उनको धोखा दिया, उन्होंने उनके लिए आपको धोखा दिया, कैसा मेरे पास तुम हो चला ये सारा का सारा। मगर मलिक साहब थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो, मिनाहिल आपको बहुत बहुत शुक्रिया, भाईजान आ जाएं। इन आंखों को क्यों कोई प्यारा नहीं लगता? नहीं लगता। हाँ। जी। ना शायराना सवाल कर लिया आपने मुझसे अचानक। सर मैं अपने कजन को ताड़ी खातर जैकेट मांग के ले आया सिर्फ। क्यों मतलब मैं रात को जैसे सोचता हूँ, मैं फिल्म्स के बारे में सोचता हूँ, मैं सीन्स के बारे में, मोनोलॉग्स के बारे में सोचता हूँ, वहाँ फिर मैं किसी और के बारे में सोचता रहूँ, हाय मेरा दिल तोड़ दे। मैंने गुस्से ना कर रही है कि मजाक ना, गुस्से ना, मैं भी कहूँ तेरा मेरा मजाक तो है। जेड़ा अपने आप नो एक्टर कहीं दावे लेकिन शक्ल तू लगता ना हो, मैं तोड़ा क्या है।